खातिर वाहन चोर वाहन समेत हुआ गिरफ्तार, ग्राहक बनकर लूट को देता था अंजाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देश पर वाहन चेकिंग व अपराधियों की धरपकड़ अभियान में आज क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में आज कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्त शातिर चोर थे जो ग्राहक बनकर वाहनों में बैठकर वाहनों की चोरी क्या करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त संजय सेठ पानदरीबा थाना चेतगंज वाराणसी, विकास शर्मा और रुड़की हरिद्वार के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेही से दो ई रिक्शा बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल मिश्रा, उप निरीक्षक सौरभ पांडे, हेड कांस्टेबल आशीष चौबे मौजूद थे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अखिलेश कुमार राय की रिपोर्ट। कहां से बरामदगी हुई है और कैसे हुआ ये? इसमें जो है यह लोग जो है मंदाकिनी माता मंदिर के पास खड़े थे और चौकी इंचार्ज अमिया मंडी अनिल मिश्रा मैं हमराही के जो है क्षेत्र में घूम रहे थे। उनको बताया गया कि मुखबिर ने बताया कि वहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ गए और उनको पकड़ लिए। नाम पता पूछे तो उन्होंने अपना नाम बताया, संजय सेठ पुत्र अशोक सेठ निवासी पंडरिया चेतगंज छितकुपुर वाराणसी, और दूसरा जो है विकास शर्मा पुत्र चंद्र प्रकाश शर्मा निवासी शास्त्री नगर गली नंबर 2 रुड़की जनपद हरिद्वार, अपना नाम बताया। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके पास से जो है ई रिक्शा बरामद। एक व्यक्ति रो रहा है कि इसमें कि हमको पुलिस फर्जी तरीके से फंसाया गया, कोई हमारे कसू नहीं है, रो रहा था व्यक्ति वो अगला। जी जी जी, क्या उसको फर्जी फंसाया गया था क्या उसको, यह कहना गलत है उसका। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और क्या इससे पहले भी इन लोगों ने कोई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? मौके पर प्रकाश में यही लोग आए हैं, इनके पास से पकड़ा गया है। और कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर? आपराधिक रिकॉर्ड